हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर का हिंदी समरी, जो कि है क्लास नाइन्थ के इंग्लिश बुक मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 3। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर का हिंदी समरी। यह कहानी महेंद्र नाम के एक नवयुवक ने गणेश को सुनाई थी। वह एक कंपनी में सुपरवाइजर था जो अपने निरीक्षकों को विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थल के लिए सेवाएं भाड़े पर उपलब्ध कराती थी, जैसे पुल, उद्योग, बांध आदि। ऐसे ही निर्माण स्थानों के लिए हमेशा सेवाएं भाड़े पर उपलब्ध कराती थी। महेंद्र का काम कार्यस्थलों की गतिविधि पर नज़र रखने का था। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्यालय के निर्देश के अनुसार घूमते रहना पड़ता था। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थान को कुछ महीने के बाद किसी रसायन संयंत्र पर, इसी तरह कभी कभी उसे अलग अलग जगहों की भ्रमण करते रहना पड़ता था। वह अविवाहित था, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी और वह स्वयं को हर प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता था, चाहे कोई घटिया या विश्राम गृह हो और चाहे पत्थर के खदान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट हो, वो कहीं भी अपने आप को सेट कर लेता था। परंतु ईश्वरन उसका रसोईया बड़े काम का आदमी था। ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था और जहां कहीं उसकी नियुक्ति होती वह खुशी से उसके साथ चला जाता था। वह महेंद्र के लिए भोजन बनाता था, उसके कपड़े धोता और रात की उसके साथ गपशप लड़ाता था। वह अनगिनत कहानियों किस्से विभिन्न विषयों पर गढ़ सकता था। ईश्वरन में एक गुण था कि वह सब्जियां वह अन्न पकाने की वस्तु न जाने कहां से पैदा कर देता था। निर्जन स्थान के मध्य भी जहां कोई दुकान आदि दिखाई न देती थी, वह ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन टीनों के छप्पर के नीचे आने के कुछ ही घंटों में अपने नए कार्य स्थान पर जादू की भांति तैयार कर देता था। महेंद्र सुबह उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता था, अपने साथ तैयार किया हुआ भोजन ले जाता था। इसी बीच ईश्वरन छप्पर को ठीक करता, कपड़े धोता और फिर पानी की कई बाल्टियों से मजे से नहाता था और प्रार्थना भी किया करता था। इतने में दोपहर का समय भी हो जाता। खाने के बाद सोने से पहले वह कुछ देर पढ़ता था। प्रायः वह कई सौ पन्ने भाषा की तमिल भाषा में लोकप्रिय रोमांचक पुस्तक पढ़ता था। इसके दिए गए काल्पनिक वर्णन व वर्णन तथा उसके वृत्तांत को हमेशा भगवान के साथ वो जुड़ा रहता था। उसके अपने वर्णन भी तमिल लेखकों से प्रभावित होते थे। जब वो यहाँ तक कोई छोटी सी घटना का वर्णन करता तो उसमें भी रोमांच पैदा करने का प्रयत्न करता था। उदाहरण के लिए यह कहने की बजाय कि उसके सड़क पर गिरा हुआ एक वृक्ष देखा तो वह भौवें को चढ़ाकर और हाथों को हिला हिला कर कहता था, सड़क पर कोई वस्तु देखी जो ऐसी देखती थी जैसे कोई एक बड़ा झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ है। मेरे मन में आया कि मैं वापस मुड़ चलूँ, परंतु जैसे ही मैं नज़दीक आया तो देखा कि वो तो एक असल में पेड़ था जो पूरे रोड पर गिरा हुआ था, अपनी सूखी शाखाओं को फैलाए हुए। महेंद्र ईश्वरन की कहानियों की आलोचना किए बिना अपनी टाट की कुर्सी पर लेटा हुआ सुनता रहता था। ईश्वरन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जहाँ से मैं आया हूँ वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर घना लकड़ी का जंगल है। लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। जब वे मस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रण में नहीं ला सकते। इस भूमिका के बाद ईश्वरन हठी से संबंधित कोई किस्सा सुनाने में लग जाता है। एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के मैदान में से बच निकलता है और झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता तथा उसकी शाखाओं को अपने मन मर्जी से तोड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगता है। ईश्वरन अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर मस्त हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लगता है। वो अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता है कि हाथी हमारे नगर के बाहर पहुँच गया। वह
चार दीवार को ऐसे तोड़ रहा था मानो माचिस की तिल्लियां हो। वह मुख्य सड़क पर आ जाता है और फल, मिट्टी के बर्तन तथा कपड़ों की दुकानों को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हाथी अब स्कूल के कक्ष में प्रवेश कर गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ईंटों की चार दीवारें भी उसने तोड़ डाली। सभी लड़के कक्षाओं से भागते हैं तथा दरवाजे को कसकर बंद कर देते हैं। हाथी चिंघाड़ता हुआ घूमता रहता है। फुटबॉल के गोल के खंभे, वॉलीबॉल के जाल उखाड़ फेंकता है। पानी का ड्रम ठोकर मारकर चपटा कर देता है तथा सभी झाड़ियां आसपास का उखाड़ देता है। इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल की इमारत की छत पर चढ़ जाते हैं। वहां से वे सिर्फ बेबस होकर इन सभी दृश्यों को देखते रहते हैं। नीचे एक भी व्यक्ति नहीं था। गलियां खाली थी, मानो वहां के लोग अचानक कहीं लुप्त हो चुके हैं। मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था, छत से सारा ड्रामा देख रहा था। मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी ली और मैं सीढ़ियों से उतरकर कैंपस में चला गया। हाथी चिंघाड़ता और वृक्ष की एक शाखा मुझे डराने के लिए उसने हिलाई, जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखी थी। उसने अपने पांव जोर से धरती पर मारा, जिससे बहुत सारे कीचड़ और धूल उड़ने शुरू हो गए। उसे देखकर डर लगने लग रहा था, परंतु मैं धीरे से हाथ में डंडा लिए उसकी ओर बढ़ा। लोग सम्मोहित हुए आसपास की छतों से यह दृश्य देख रहे थे। हाथी ने गुस्से में मुझे देखा और मेरी तरफ वो दौड़ा। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई तथा जोर से चिंघाड़ा। उसी समय मैं उसकी ओर बढ़ा तथा पूरी शक्ति से उसके तीखे नाखून पर जोर से डंडा मारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो हाथी मुरझा गया है। तब उसे पूरे शरीर में कपकपी लगने लगती है और वो वहाँ लुढ़क जाता है। ईश्वरन यहाँ पहुँचकर कहानी को आधा छोड़कर खड़ा हो जाता है और भुनभुनाता हुआ कहता है, मैं मैस जलाने तथा खाना गर्म करने के बाद आऊँगा। महेंद्र, जो कहानी को बड़े मग्न से सुन रहा होता है, वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। जब वो लौटता है, ईश्वरन अपनी कहानी के आते ही प्रारंभ कर देता है। महेंद्र उसे याद दिलाता है कि निष्कर्ष अभी बाकी है। तब ईश्वरन कहता है कि हाथी का उपचार कराने के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया तथा दो दिन बाद उसका महावत वापस उसे जंगल में ले जाता है। अच्छा ईश्वरन, आप ये बताओ कि आपने हाथी को कैसे गिरा दिया? इसका संबंध जापानी कला कराटे या जू जित्सु से था, ईश्वरन ने उत्तर दिया। मैं ऐसा सोचता हूँ श्रीमान जी, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इससे नाड़ी तंत्र अस्थाई रूप से रुक जाती है। कोई भी दिन ईश्वरन को रोमांचक कहानी सुनाए बिना न बीतता था, चाहे कहानी विश्वास करने योग्य हो या नहीं हो। महेंद्र को इसे सुनकर बड़ा ही आनंद आता था, क्योंकि कहानी सुनाने का ढंग ही उसका निराला था। महेंद्र को ईश्वरन के कारण अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस ही नहीं होती थी। एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा कि क्या मैं आज रात कोई विशेष पकवान बनाऊं? श्रीमान जी, आज का दिन बड़ा शुभ है। परंपराओं के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की पकवान की प्रशंसा भी की। ईश्वरन बड़ा खुश था, परंतु अचानक उसने भूत प्रेत की कहानी सुनानी शुरू कर दी। आप जानते हो कि इस उद्योग का सारा क्षेत्र किसी समय कब्रिस्तान था, उसने कहना शुरू किया। महेंद्र बढ़िया भोजन करने के बाद विचारों में डूब गया। यह सुनकर उसे एकदम सा झटका लग जाता है। ईश्वरन कहता गया, मैं तो पहले दिन से ही जानता था, जब मैंने रास्ते में बहुत सी खोपड़ियाँ तथा हड्डियों को वहाँ देखा था। उसने सुनाना जारी रखा कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं। मैं इनसे डरता नहीं, क्योंकि मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, परंतु एक भयानक स्त्री का भूत पूर्णमासी की आधी रात को दिखाई देता है तथा यह बड़ी कुरूप स्त्री है। इसके उलझे बाल और चेहरे पर झुर्रियाँ कंकाल के समान अपनी भुजाओं में भ्रूण उठाए हुए, मतलब वो छोटे बच्चों को उठाए हुए होती है। महेंद्र इस वर्णन को सुनकर कांप उठता है और आवेश में आकर उसने ईश्वरन को टोका, आप पागल हो, भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होता।
यह सब आपकी सिर्फ कल्पना मात्र है। आपका हाजमा ठीक नहीं है, हो सकता है आपका दिमाग भी ठीक नहीं है, आप बकवास कर रहे हैं। वो सोने के लिए चला गया, वह विचार कर रहा था कि ईश्वरन 2-3 दिन तक दुखी रहेगा, परंतु अगले दिन उसे ईश्वरन को देखकर हैरानी हुई कि वह पहले जैसा ही प्रसन्न तथा उसी तरह से बातूनी था। उस दिन से महेंद्र को सोते समय बिस्तर पर बेचैनी रहने लगी। हर रात वो अपने कमरे के पास वाली खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांकता था, यह देखने के लिए कि आसपास कोई साया तो नहीं घूम रही, परंतु वो अंधेरा ही वहां उसे दिखाई देता था तथा दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनियां ही उसे दिखाई देती थी। वह सदा से पूर्णिमा की रात में चांदनी में घुला सफेद भूदृश्य उसे बड़ा ही पसंद करता था, परंतु ईश्वरन की उस स्त्री भूत की कहानी को सुनकर वह पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाता है। एक रात महेंद्र की नींद खिड़की के पास कराहने की आवाज सुनकर खुल जाता है। पहले तो उसने यह समझा कि कोई बिल्ली घूम रही है, परंतु आवाज किसी मनुष्य के कंठ से आती हुई लग रही थी। उसे बाहर झांकने की जिज्ञासा हुई, परंतु वह डरता था कि कहीं कोई भयानक दृश्य न उसे दिखाई दे, परंतु आवाज ऊंची होती गई और यह साफ था कि वह बिल्ली नहीं थी। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने खिड़की के पास बैठकर बाहर देखा। एक छाया थोड़ी सी दूरी पर गठरी सा कोई चीज उठाए हुए थी। महेंद्र को ठंडा पसीना आया तथा वह हांफते हुए तकिए पर जा गिरा। वह जब धीरे धीरे इस भयानक दृश्य के प्रभाव से ठीक हुआ तो उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह उसके मन का शायद कोई भ्रम हो। जब वो सुबह उठता है, नहाया और नाश्ता करके अपने कमरे से बाहर जाता है तो उसके मन में रात वाली घटना निकल चुकी थी। ईश्वरन ने उसको दोपहर के भोजन का पैकेट व थैला पकड़ाया, फिर हंसकर कहा, श्रीमान जी उस दिन को याद कीजिए जब मैंने आपको स्त्री भूत की बात बताई थी जो अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए हुए घूमती है। बता रहा तो अल्प कल्पना चीज के लिए मुझसे आप बहुत ही क्रोधित हो गए थे तथा आपने मुझसे कहा था कि भूत वूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, आपने भी तो पिछली रात उसे देख लिया। जब मैंने आपके कमरे में आवाज आते सुनी तो मैं दौड़ कर आया था। महेंद्र को कपकपी से होने लगती है। अगले दिन उसने ऑफिस में अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया तथा उसने भूत वाले स्थान को छोड़ने का फैसला कर लिया। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। यह कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी थी और इसको लिखा है आरके लक्ष्मण ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो दोस्तों आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।